स्लीप एपनिया, क्या है ये स्लीप एपनिया, क्या कारण है, निवारण दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दी गई बेल आइकॉन को तुरंत प्रेस कर दो एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे, जो आपके लिए यूजफुल हो। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर जयपुर। दोस्तों स्लीप एपनिया क्या है, स्लीप एपनिया हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि स्लीप एपनिया क्या है और कैसे इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों आपने बहुत बार जाने अनजाने में देखा होगा कि हमारे जो घर पे जो हम खुद हैं या हमारे जो बड़े हैं या जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि आपको खुद को इस चीज का पता नहीं लगता, सोने के बाद जो है आपको जो है माउथ ब्रीदिंग यानी स्नोरिंग बहुत लाउड साउंड्स का जो आता है, जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। एंड वो जो लाउड साउंड्स होती है, एंड इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसकी प्रक्रिया जानने के लिए क्या है कि जो हमारा सांस का रास्ता है, आइडियली हमें सोने के बाद नोज से ब्रीथिंग होता है, नोज से ब्रीथिंग होता है, सारी एयर नाक से साइनस में जाती है, एयर का फिल्ट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, एंड वो एयर सांस की नली में जाती है। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि किसी के कारण हो सकता है नेजल ब्लॉकेज हो, ये वो कारण है जो स्लीप एपनिया के, जिसके नेजल ब्लॉकेज हो, आपके डीएनएस है, नाक में मास बन सकता है, कोई चोट के कारण नाक की विकृति है, हो सकता है आपके गले में बड़े टॉन्सिल हो सकता है आपका कागलिया जिसको हम यूवुला बोलते हैं वो बहुत इलोंगेटेड हो सकता है आपकी यहाँ पे बहुत सारी फैट डिपॉजिट हो सकता है आप ओबीस हो, आपकी टमी इतनी आ रखी है। दोस्तों इन सब कारणों से जो हमारा सांस का रास्ता है उससे हमारा सोने के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाती है, तो हमें पूरा ब्रीदिंग नहीं आ पाता। जब नाक से पूरा ब्रीदिंग नहीं आ रहा है तो गॉड ने हमारा ये बॉडी बनाई है ना दोस्तों, बहुत सोच समझ के बनाई है, उन्होंने एक रास्ता और बनाया है कि हम ये रास्ता बंद हो जाए तो इधर से ब्रीदिंग आ जाए। दोस्तों हमारा सांस तो उससे आ जाता है, लेकिन वो जो एयर का फिल्ट्रेशन है, प्यूरिफिकेशन है, ह्यूमिडिफिकेशन है, वो लॉस्ट हो जाता है। एंड सांस के अंदर जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो जब जिसको ओबेसिटी है, जिसको जो मोटापा है, ओबेसिटी है, जिसको यहाँ पे फैट है, जिसके टॉन्सिल्स हैं, तो वो जो आपकी जो एयर जा रही है वो एक सुराही नुमा रास्ते की तरफ से अंदर जा रही है, उसके लिए आपको खींचना पड़ता है, हवा को जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ये जो हमारा ओबीस है, जो हमारा पेट आ रखा है, जो हमारा टमी आ रखा है, ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनको पुश करता है ऊपर, डायाफ्राम पुश करता है, तो लंग्स को फैलने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और जब हम ताकत लगाते हैं तो जो हमारा एक कागलिया है उसकी फ्लटरिंग के कारण हमें स्नोरिंग होता है। That means, जैसे आज हवा चल रही है और आपने एक पत्ती बांध दी, फड़फड़ फड़फड़ बोलेगी, जैसे ऐसे ही हमारे को स्नोरिंग होती है। सो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हो पाती, हमें दिन को जो है वो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो है लक्षण स्लीप एपनिया को, हमें डे टाइम स्लीपनेस रहती है। हर टाइम पेशेंट की इच्छा करेगी थोड़ी देर सोने को मिल जाए, प्लीज थोड़ी देर सोने को मिल जाए, डे टाइम स्लीपनेसनेस, गाड़ी चलाते ही आपको जो है वो नींद आ जाएगी, आपको खुद को पता भी नहीं कि कब नींद आ गई, आपको मॉर्निंग में हेडेक रहेगा, यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी की और भी जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है, ये मूड आपका इरिटेट रहता है, काम के अंदर आपको मन नहीं लगता। सो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो स्लीप एपनिया से रिलेटेड है। एंड रात को क्या है दोस्तों, सोते सोते आपका गला चौक हो जाएगा, जैसे बिल्कुल आपको नाइटमेयर्स, ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा गंदा सपना आया और आपको तुरंत आपको बैठना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट दोस्तों मैंने देखा है पानी की बोतल लेके रहते हैं, रात को हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में पानी पीते रहते हैं, क्योंकि वो क्या है कि गला जो है वो ड्राई एयर के कारण चोक हो जाता है। सो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स हैं और कारण हैं जो स्लीप एपनिया से रिलेटेड है। इसके कारण बहुत बार दोस्तों हमें सेक्स से रिलेटेड, मैरिटल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को इम्पोर्टेंस डेवलप हो जाती है, पेशेंट का फीमेल पार्टनर उसके साथ में सोना नहीं चाहता, एंड हमारी जो परफॉर्मेंस होते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो भी क्या है बहुत बार क्या है वो कमजोर होती चली जाती है। सो ये कारण और ये सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों। अब उसका जो मैनेजमेंट दोस्तों स्लीप एपनिया का करते हैं, उसमें डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं, सबसे पहले उसका कारण इवैल्यूएट किया जाता है, जो सारे इन कारणों में से क्या कारण है, वो सर्जिकल भी उसका हो सकता है मैनेजमेंट, और उसका जो है वो मेडिकेशन से भी उसका मैनेजमेंट होता है। उसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक
टेस्ट होता है, स्लीप एपनिया स्टडी होती है जिससे हमें उसका कारण पता लग जाता है। उसके बाद अगर फिजिकली कहीं अवरोध है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक सर्जरी होती है, यूवेलोपैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी। हाँ दोस्तों, उस सर्जरी के माध्यम से आपका स्नोरिंग और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, बट दोस्तों वो अकेला एक माध्यम नहीं है जिससे कंप्लीट ठीक हो सकता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा, आपको खानपान में, आपको ड्रिंक्स, आपको जो है एक्सरसाइज, एंड साथ में आपको जो है अपना वेट रिड्यूस भी करना होगा। डेफिनेटली आप अपने स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों ये ऐसी प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट नहीं दिखती, लेकिन बहुत बार पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, डाइवर्स हो जाता है। बहुत बार जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम के कारण हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों ऐसी अगर आपको समस्या है, आपके फैमिली में किसी को है, तो इसके लिए जागरूक हमें होना चाहिए एंड तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका 100% दोस्तों ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट कब है, जब आप जागरूक हैं। सो देखा दोस्तों आपने स्लीप एपनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम कितना ये जो वीडियो इतना महत्वपूर्ण है। आप जस्ट यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्लीप एपनिया स्टडी। आपका कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल है, यू जस्ट पुट ऑन माय कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू।